नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्य शर्मा और आप सभी लोग का हमारे आयुष होम्योपैथी क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम माइग्रेन के बारे में, जिसको हिंदी में अर्ध सीसी कहते हैं, माइग्रेन के बारे में दोस्तों एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि माइग्रेन की समस्या को बहुत जल्द सही करता है। दोस्तों इस मेडिसिन को आप स्टार्ट करते हैं कि आपको आराम मिलना चालू हो जाता है। तो एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी मेडिसिन के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और यह माइग्रेन की समस्या में बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों वीडियोस पे बने रहिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जब पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। कुछ लोग वीडियो को भगा भगा के देखते हैं तो उनका कमेंट्स अक्सर आता रहता है कि सर इस मेडिसिन का क्या नाम है, किस कंपनी का लेना है, मतलब विभिन्न प्रकार के समस्याओं का कमेंट्स करते रहते हैं, डोज क्या है। तो इस तरह की समस्या आपको ना हो इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। और मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो वहां से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। उसके लिए दोस्तों बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहेगा दोस्तों हमारे चैनल पर, वीडियोज़ को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और यह माइग्रेन की समस्या को अर्ध सीसी, जिसको हिंदी में कहते हैं, बहुत जल्द सही करता है। तो आइए हम देख लेते हैं उस मेडिसिन का क्या नाम है। होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों और वेलाडोना इसका नाम है मेडिसिन का। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों वेलाडोना। इस मेडिसिन का दो पावर हमने लिख के रखा है, 30 में और 200 में। तो आइए हम बताएंगे अभी कि आपको कब 200 वाला पावर यूज़ करना है और कब 30 वाला पावर यूज़ करना है। आपको सबसे पहले माइग्रेन के सिम्टम्स जो होते हैं, मान लीजिए आप कहीं धूप में पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, अचानक आपको नौजिया लगता है, नौजिया के साथ में आपको अगर उल्टी भी हो जाता है, उल्टी होने के बाद में आपके सर दर्द में अगर आराम मिल रहा है तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपको माइग्रेन की समस्या हो सकता। आइए ये देखते हैं कि ये मेडिसिन कहाँ कहाँ पे काम करती है, किस तरह की समस्या को रिकवर करती है। सिर के अगले हिस्से में दोस्तों, राइट साइड में होगा, थ्रॉम्बलिंग पेन होगा, इस तरह की समस्या को दोस्तों बेलाडोना बहुत तेज रिकवर करता है। फेस पे और आई, एकदम फेस आपका पूरा और आँख एकदम लाल पड़ जाती है, इस तरह से अगर आपको सिम्टम दिखाई दे तो आप ये समझिए कि मैक्सिमम चांस आपको माइग्रेन की हो सकती है। अगर आप चल फिर रहे हैं, मान लीजिए बाइक से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, किसी से चल रहे हैं या बस से चल रहे हैं, हल्का सा आपको झटका लगेगा या आप हल्का सा झुकेंगे या आपको कहीं रोशनी की समस्या, मान लीजिए आप लेटे हैं और रोशनी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी, या आवाज़ आपको मान लीजिए कहीं कोई डीजे साउंड बज रहा है तो वहाँ पर अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो इस तरह के कंडीशन में आपको सिर दर्द एकदम से बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। तो माइग्रेन की समस्या में सिर दर्द अचानक होने लगता है और थोड़े समय में कभी कभी आपको आराम भी मिल जाता है। दोपहर में और शाम के समय में दर्द ज़्यादा होता है। माइग्रेन की समस्या अगर आपको है तो दोपहर में और शाम के समय में आपको दर्द ज़्यादा होता है। फीमेल्स में दोस्तों क्या होता है, मेंसेस से पहले और मेंसेस के बाद में सर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो इस तरह के कंडीशन में दोस्तों बेलाडोना बहुत अच्छे से काम करता है। माइग्रेन की समस्या अधिकांश हम लगभग 40 से 50 साल के ऊपर वालों में देखने को मिलता है, लेकिन आजकल एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ये समस्या पाई जाती है। तो इस तरह की अगर माइग्रेन की समस्या है तो अगर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, मान लीजिए 50 साल के ऊपर वाले हैं, उनको क्या करना है, आपको 30 पावर देना है और 50 साल के जो नीचे वाले हैं, 30 साल 40 साल वाले हैं, उनको 200 पावर की मेडिसिन देनी है। तो बेलाडोना 30-50 साल के ऊपर वालों को आपको देना है, 50 साल से नीचे अगर कोई माइग्रेन की समस्या से परेशान है तो वहाँ पर 200 पावर आपको यूज़ करना है। तो आइए अब हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। इस मेडिसिन को आपको क्या करना है, 5 बूंद अगर आप लिक्विड में ला रहे हैं तो 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधे कप पानी में इस मेडिसिन को 5 बूंद आपको डाल लेना होता है और सुबह दोपहर शाम सिप बाय सिप आप मेडिसिन को पीजिए, थोड़ा आराम से पीजिए जैसे कि आप चाय पीते हैं, तो मेडिसिन और अच्छे से काम करती है और आपको मुश्किल से 5 दिन या 7 दिन बीतेगा बहुत तेज़ आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो बेलाडोना मेडिसिन का नाम है दोस्तों, हम पिक्चर इधर लगा देंगे, आप आराम से देख लीजिएगा। यह मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक क्लिनिक है तो ये दवा आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों माइग्रेन के बारे में था, माइग्रेन की कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस समस्या को सही कर सकती है इसके बारे में था, इसके डोज के बारे में था दोस्तों।
मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप कोई चीज़ इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी चीज़ लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, मेडिसिन का नाम क्या है, सारी डिटेल्स आपको मेडिसिन के बारे में मिल जाएगी। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीज़ आपको समझ में ना आया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से देख लीजिए। दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आयुष होम्योपैथिक क्लिनिक गोंडा के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के दोस्तों हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहता हूँ अपने फेसबुक पेज पे भी। मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे जाकर के हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैलाए, पॉलीथिन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।